मैं हूं शिफाली गिरधरवाल और आप देख रहे हैं कंसल्टीज। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़। हम में से काफ़ी सारे लोगों का जो 8 टेबल है GSTR एनुअल रिटर्न का, उसमें जो ऑटो पॉपुलेटेड डेटा है और जो मेरे 2A के अंदर डेटा है वो मैच नहीं करता। जो मेरे 2A ऑटो पॉपुलेटेड है उसका डेटा मैच नहीं कर रहा। इसके लिए इम्पॉर्टेंट क्लेरिफिकेशन भी दिया है CBIC ने। और इसमें एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि जहाँ पे टैक्स पे करने की लाइबिलिटी नहीं होती ना, वहाँ पे बहुत सारे लोग पूछते हैं मुझे यहाँ पे टैक्स पे करना है, और जहाँ पे एक्चुअली टैक्स लाइबिलिटी अराइज हो सकती है वहाँ पे नहीं पूछते। तो ये एक इशू है हम सब लोगों के साथ, और ये बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि मैडम 3B और 2A मैच नहीं कर रहा तो क्या मेरे को टैक्स पे करना है। बहुत बार बोलती हूँ कि आपका जो सप्लायर है उसने अगर आपका टैक्स नहीं भी पे किया तो भी आप क्लेम कर सकते हो, हर बार नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपकी वैलिड ट्रांजेक्शन आप बिल्कुल क्लेम कर सकते हो। लेकिन अब ये कोई नहीं पूछ रहा कि मेरे 8 टेबल के अंदर जो ऑटो पॉपुलेटेड डेटा है और जो मेरा 2A के अंदर ऑटो पॉपुलेटेड डेटा है, अगर उसमें मेरा मिसमैच है क्या मुझे टैक्स पे करने की लाइबिलिटी आएगी। अच्छा, 2A या 8 टेबल वो ये डिसाइड नहीं कर सकते कि मुझे टैक्स पे करने की लाइबिलिटी है या नहीं है। मैं ये पहली वीडियो में भी अपनी बोल चुकी हूँ कि मेरे को टैक्स पे करने की लाइबिलिटी आएगी या नहीं आएगी, ये मेरा GST का प्रोविजन, मेरे CGST एक्ट की कंसेप्चुअल नॉलेज, वहां से आप डिसाइड करेंगे कि मेरे को पे करना है कि नहीं करना है। एनुअल रिटर्न सिर्फ उसको एक रिफ्लेक्ट कराने का तरीका है, क्योंकि पहले रिटर्नों में जहाँ पे मैं रिफ्लेक्ट नहीं करा पाई, तो अगर पुराने रिटर्नों में मैंने रिफ्लेक्ट करा के ठीक कर दिया है तो मुझे एनुअल रिटर्न में उसी को रिप्रोड्यूस करना है। अगर मैं किसी वजह से पुराने रिटर्न में नहीं कर पाई थी और मेरी कोई टैक्स लाइबिलिटी एज पर द प्रोविजन ऑफ CGST एक्ट बनती है तो उसको मैं यहाँ पे कर सकती हूँ DRC 3 के थ्रू, और मुझे अपना मतलब फाइनल हिसाब किताब एनुअल रिटर्न में डालना है जो मेरा सही है, कि जो मेरा एक्चुअल टैक्स बनता था। अब क्वेश्चन राइज होता है कि 2A और टेबल 8 का ऑटो रिफ्लेक्शन है, क्या मुझे उसके लिए टैक्स लाइबिलिटी आ सकती है। टैक्स लाइबिलिटी आ सकती है। क्यों आ सकती है? अगर आपने गलत इनपुट टैक्स क्रेडिट ले रखा होगा तो सबसे पहले ये समझेंगे उसके अंदर डिफरेंसेस आ क्यों रहे हैं। इसके लिए क्लेरिफाई किया है CBIC ने, और उन्होंने बोला है कि जैसे आपने बाबर अमेंडमेंट करके चेंजेस किए थे, राइट, तो उसने कहा कि जो आपके 8 का डेटा है वो आपको जो लेटेस्ट वाला होगा सारे चेंजेस के बाद का वो ऑटो पॉपुलेट होगा। ठीक है, तो वो मेरा ऑटो पॉपुलेट हो गया। लेकिन 2A अगर आप अलग अलग डेट्स का देखोगे तो अलग अलग टाइम पीरियड पे उसमें वही अमेंडेड डेटा आएगा जो उस डेट तक अमेंड हुआ था। सेकंड, जो डिफरेंस है दोनों टेबल्स के बीच की ऑटो पॉपुलेटेड डेटा के पीछे, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि मेरा डिफरेंस आ रहा है, मेरा गलत आ रहा है, तो वो गलत नहीं है, उसके पीछे कुछ रीजंस हैं उसके अलग अलग होने के। उसमें से एक रीजन ये है कि 2A के अंदर अगर आपका जो सप्लायर है उसने रिटर्न फाइल नहीं की है तो रिटर्न फाइल नहीं करने के बाद भी वो 2A के अंदर ऑटो रिफ्लेक्ट हो जाता है, लेकिन जहाँ पे स्टेटस इनएक्टिव है यानी कि रिटर्न फाइल नहीं कर रखी है आपके सप्लायर ने, वो वाला डेटा आपका टेबल नंबर 8 के अंदर ऑटो पॉपुलेट नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे डिपार्टमेंट उसको ऑटो पॉपुलेट नहीं कर रहा है। अब क्वेश्चन अराइज होता है क्या मेरी टैक्स पेमेंट की लाइबिलिटी बन गई क्या इस वजह से। मैं हमेशा से ये चीज़ बोलती आ रही हूँ कि टेबल 8 में आपकी टैक्स पेमेंट की लाइबिलिटी नहीं बनेगी। टेबल 8 इज ओनली फॉर रिकंसिलेशन, वो आपको सिर्फ ये बताएगा कि इस साल का इतना क्रेडिट मेरा इनएलिजिबल था और इतना मैंने ले नहीं पाई थी तो इसलिए मेरा चला गया। वो आपको ये नहीं कह रहे कि अगर माइनस की फिगर है तो तुम इतना टैक्स पे कर दो, वो वाली लाइबिलिटी मेरी एनुअल रिटर्न के अंदर टेबल 8 में नहीं बन रही है। अगेन मैं ये चीज बोलूंगी कि टैक्स पेमेंट करने की लाइबिलिटी बनी या नहीं बनी टेबल 8 नहीं डिसाइड करेगा, ना 6 डिसाइड करेगा, ना एनुअल रिटर्न डिसाइड करेगी। GST के प्रोविजन के हिसाब से आपको जाके वो चीज वहां पे देखनी पड़ेगी। देन दूसरा, उसके दोनों के बीच की डिफरेंस का रीजन क्या है? उसके दूसरे डिफरेंस का रीजन ये है कि वो कह रहे हैं कि जहां पे प्लेस ऑफ सप्लाई रिसिपियंट के स्टेट से अलग था वो केस में 2A में तो ऑटो रिफ्लेक्ट हुआ लेकिन टेबल 8 के अंदर ऑटो रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, तो क्या यहाँ मेरी लाइबिलिटी बनेगी? अगर आपने वो इनपुट टैक्स क्रेडिट ले रखा है तो आपकी इस केस में पेमेंट करने की लाइबिलिटी बनेगी, क्योंकि अगर मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई रिसिपियंट के स्टेट से अलग होता है तो वो क्रेडिट की एलिजिबिलिटी मेरे को GST के अंदर नहीं होती। और अगर आपने इस चीज़ को ध्यान ना रखते हुए वो इनपुट टैक्स क्रेडिट ले रखा है तो फॉर एग्जाम्पल, सबसे सिंपल और सबसे फेमस एग्जाम्पल मैं भी ले रही हूँ, तो फॉर एग्जाम्पल आप दूसरे स्टेट में गए और वहाँ की होटल में आपने स्टे किया तो वहाँ पे जो होटेलियर था उसने आपको CGST SGST चार्ज किया। तो मान लीजिए मैं राजस्थान स्टेट में हूँ और होटल UP के अंदर है, तो UP का CGST SGST का प्लेस ऑफ सप्लाई UP है, इसलिए राजस्थान के मेरे रजिस्ट्रेशन में मुझे उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो आपने अगर ऐसा कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट ले रखा है तो वो जो डिफरेंस है उसको आपको वापस करना पड़ेगा, यानी कि वो आपको पे करना पड़ेगा।
तो ध्यान रखिए, जहाँ पे हम सोच रहे थे पे करना पड़ेगा, एक्चुअली वहां पे शायद लाइबिलिटी नहीं बने, लेकिन जहाँ पे हमने नहीं सोचा वहां लाइबिलिटी बन सकती है। ये एक सबसे सिंपल इंस्टेंस मैंने आपको बताया, लेकिन ये सिर्फ एक ही इंस्टेंस नहीं है। आपको इसके लिए जो मेरा सेक्शन 10, 11, 12, 13 चार सेक्शन है, कौन से एक्ट के, सीजीएसटी के नहीं आईजीएसटी एक्ट के, वो आपको ये प्रोविजनल की कंसेप्ट बताते हैं इस प्रोविजन की, कि प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ पे आता है। प्लेस ऑफ सप्लाई हर उस केस में जहाँ पे वो रिसिपिएंट के लोकेशन में नहीं आता, वहाँ पे आपका ये वाला प्रोविजन एप्लीकेबल हो सकता है, यानी कि फिर वो किसी और स्टेट में फॉल कर सकता है। और ये सिर्फ सर्विसेज के लिए नहीं, कई बार ऐसा गुड्स के केस में भी हो सकता है। तो मान लीजिए गुड्स का मेरा मूवमेंट जाके खत्म हो रहा है किसी ऐसी लोकेशन पे जो रिसिपिएंट का प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं है। तो फॉर एग्जाम्पल, आपको पता होगी गुड्स के केस में मैं प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मानती हूँ, जहाँ पे मेरा मूवमेंट खत्म हो रहा है। अगर बिल टू शिप टू नहीं है तो, अगर बिल टू शिप टू है तो बिल टू एड्रेस को मानती हूँ। तो मान लीजिए एक साइट चल रही है और मैंने आपको बोला कि ये आप पर्टिकुलर गुड्स को परचेज किया मैंने और बोला कि वहां पे जाके आप डिलीवर कर दो, जहाँ पे उनका गुड्स का मूवमेंट जाके एंड हुआ, तो ये बिल टू शिप टू ट्रांजेक्शन नहीं है, क्योंकि बिल टू शिप टू में तीन पार्टी होना जरूरी है, राइट। तो जहाँ पे उन गुड्स का मूवमेंट खत्म हुआ जाके, वो स्टेट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। अब चूंकि वो स्टेट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, तो उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मेरे को एलिजिबल नहीं होगा। तो ऐसा कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने ले रखा है जहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई रिसिपिएंट का स्टेट नहीं है, तो वो आपको अलाउड नहीं है जीएसटी में। अब अगेन, सिर्फ वहां पे रिफ्लेक्ट होने की वजह से डिसअलाउंस नहीं आ रहा। डिसअलाउंस कहाँ से आ रहा है? टेबल 8 या 2A से नहीं आ रहा। डिसअलाउंस अब भी मेरे आईजीएसटी एक्ट के सेक्शन से आ रहा है। तो पेमेंट की लाइबिलिटी बनेगी या नहीं बनेगी डिसाइड करेगा सीजीएसटी एक्ट, आईजीएसटी एक्ट के प्रोविजंस। तो ये एनुअल रिटर्न नहीं करेगी डिसाइड। तो आपको सबसे पहले यही करना है कि अपना डेटा पहले आईटीसी पूरा देख के उसमें से इनएलिजिबल क्रेडिट जो है वो खुद निकालो, खुद निकाल के देखो कि आपने जो ले रखा है वो सही ले रखा है कि नहीं ले रखा है। अगर आपने सही ले रखा है, आपका रिकंसिलेशन मैच करे या नहीं करे, आपकी वैलिड ट्रांजेक्शन है, आपके पास उसका इन्वॉइस है, गुड्स आई, आपके पास गुड्स के आने का प्रूफ है अपनी फैक्ट्री के अंदर, आपने उसको पेमेंट किया है 180 डेज के अंदर, क्योंकि यहाँ पे आपने झूठ भी बोल दिया। अगर आपने 180 डेज में पेमेंट नहीं कर रखा उस ट्रांजेक्शन के लिए, तो वैसे भी आपकी एलिजिबिलिटी नहीं है, आपको वैसे भी रिवर्स करना है वो इनपुट टैक्स क्रेडिट, राइट। तो अगर ये सब आपका फुलफिल हो रखा है, तो चाहे वो आपके 2A में रिफ्लेक्ट हो या ना हो, आपको क्रेडिट की एलिजिबिलिटी बनेगी। हो सकता है थोड़ा फाइट करना पड़े, बट एलिजिबिलिटी उसकी आपके लिए बनेगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। और कई बार ये होता है कि जो चीज़ कम इंपॉर्टेंट होती है उस पर हम बहुत फोकस करते हैं, लेकिन एक्चुअली जहाँ से लाइबिलिटी बन सकती है उस पर हम थोड़ा सा कम फोकस करते हैं, क्योंकि हम लोग सिर्फ रिटर्न के फॉर्मेट्स को देखने की कोशिश कर रहे हैं। आप ध्यान रखिए, जो रिटर्न्स हैं वो सिर्फ एक प्रोसीजरल पार्ट होती है लॉ का। जो लॉ की कमांडिंग पावर है वो हमेशा उसके जो सब्सटेंसिव प्रोविजंस होते हैं वहां से मिलती है। तो अल्टीमेटली जो प्रिवेल करेगा वो सीजीएसटी आईजीएसटी एक्ट प्रिवेल करेगा, ना जीएसटीआर 9 का फॉर्मेट प्रिवेल करेगा, ना 9C का फॉर्मेट प्रिवेल करेगा। तो हमेशा ये डिसाइड करने के लिए लाइबिलिटी है या नहीं, कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे जाएंगे, राइट, और वहां से डिसाइड करेंगे कि मेरे को पे करने की लाइबिलिटी आती है कि नहीं आती है। तो विद दिस इंपॉर्टेंट डिस्कशन आई वुड लाइक टू क्लोज दिस वीडियो। ऐसे और वीडियोस के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।